आज के आरोग्य सभा में मैं आपको कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताने के लिए आया हूँ। और ये जो जड़ी बूटी है, जैसे हमारे पास अमरूद है, ये जो चिड़चिड़ा है, ये आपका पपीता है, ये पपीता है, हाँ पपीता, हाँ पपीता है। और ये इन सारे चीजों के बारे में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम आपको शीशम भी है, हाँ पपीता के बारे में बताना चाहते हैं कि अभी एक डेंगू की बीमारी का नाम सुने होंगे आप लोग। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट घट जाता है और आदमी धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो डेंगू की बीमारी के लिए दुनिया में कोई दवा नहीं है किसी पैथी में। आप पपीते के पत्ते का रस 20 ml, गिलोय का रस 20 ml और बकरी का दूध, ये तीनों चीज़ यदि आप सेवन करवाते हैं तो प्लेटलेट तेजी से बढ़ता है और व्यक्ति मरने से बच जाता है। तो इसमें पपीता, गिलोय, उसके बाद में आपको मैं बता रहा था बकरी का दूध इसमें सेवन कराते हैं, एलोवेरा का भी सेवन कराते हैं उसमें। लेकिन यही चीज़ यदि सेवन करते हैं तो आपको डेंगू से बहुत लाभकारी लाभ मिलेगा और डेंगू से बचेंगे। साथ ही साथ किसी को पेट खराब है, गैस कब्ज होता है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, भूख कम लगती है, तो पपीता का जो फल होता है उसका आप कच्चा पपीते का सब्जी खाइए या आप पके पपीते को काट करके आप खाइए, तो कभी भी आप गैस, कब्ज और उदर संबंधी यानी पेट संबंधी बीमारियों से कभी परेशान आप नहीं होइएगा। इसलिए पपीता को हम लोग एक तरह का वैद्य कहते हैं, घरेलू वैद्य। तो पपीता आप घर में लगा के रखिए 2-4 पेड़ और सालों भर इसका इस्तेमाल करिए, अपने खाइए, बच्चों को खिलाइए, माँ बहन को खिलाइए, कभी भी पेट संबंधी बीमारी आपको नहीं होने देगा। इसमें पपीन होता है, इसी से पपीन बनता है पपीता से, जो गैस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। और जितने यहाँ दिव्य आत्माएं लोग बैठे हैं भाई, सब तरफ यहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, यहाँ पिता तुल अभिभावक हैं, इन सारे लोगों से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जड़ी बूटियों के बारे में आप सजग हो जाइए, जड़ी बूटियों के बारे में आप समझ बढ़ाइए, और जिन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी आपको मिले आप उसका पूरा का पूरा फायदा और लाभ उठाइए। अब हम आपको अमरूद के बारे में बता रहे हैं। अमरूद का पौधा है, यहाँ अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, फल भी लगा हुआ है। तो अमरूद भी जैसे किसी को मुंह में छाला हो जाता है, मुंह पक जाता है, घाव हो जाता, चिला जाता है, तो अमरूद के पत्तों को धो करके और मुंह में डाल के चिबा चिबा करके और उसके रस को मुंह में आप 3-4 मिनट तक रखिए रोक करके, फिर आप फेंक दीजिए तो मुंह का छाला इससे ठीक हो जाता है। एक अनार भी लाए थे ना, फिर इसके साथ में अनार का भी मैं बताऊंगा। मुंह के छाला में दोनों काम करता है, अनार के पत्ते का रस और ये आपका अमरूद के पत्ते का रस, और जामुन के पत्ते का रस भी काम करता है मुंह के छाला में। अब जिनको गैस है, कब्ज है, उनके लिए भी अमरूद खूब खिलाइए, उनको पका पका अमरूद। ध्यान रखिएगा कि अभी मेरे पास 2 प्रकार के फल हैं, अमरूद और अनार। अमरूद के फल को खाएंगे तो उसके बीज को नहीं चबाते हैं, ठीक है, उसके बीज को निगल जाते हैं, और अनार के यदि फल को खाते हैं तो इसके बीज को चबा चबा करके खाते हैं। दोनों में फर्क याद रखिएगा, कभी भूल करके भी अमरूद के बिया को, बीज को चबा चबा करके नहीं खाइएगा, नहीं तो ये धारदार होता है, ये कटीला होता है, रुखड़ा ज़्यादा होता है, ये आंतों को काटता है ये, और ये बहुत हानि करता है। और अनार के बीज को खाएंगे तो चबा चबा करके खाएंगे। तो गैस कब्ज के लिए रोज सुबह सुबह आप 2-3 अमरूद खा जाइए, आप जिंदगी भर स्वस्थ रहिएगा। 1000 रोगों की एक दवा है अमरूद। पेट संबंधी किसी प्रकार की, आँत संबंधी किसी प्रकार की बीमारी, आँख हो गया हो, मल हो गया हो, उसमें भी हम अनार खाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। खून की कमी हो गई हो, आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो, तो आप अनार के पत्ते का नहीं बल्कि अनार के फल का सेवन करेंगे चबा चबा करके। इसके बाद में ये जो आप चिड़चिड़ा देख रहे हैं, ये बड़ी लाभकारी चीज़ है। ये कहा जाता है
कि इसके अंदर जो कांटा के अंदर जो इसमें दाना दाना होता है चावल जैसा, उसका जो व्यक्ति यदि एक दिन भात खा ले, इसका खीर खा ले, तो एक एक महीना तक भूख नहीं लगती है। शास्त्रों में आया है कि भगवान राम जी जब वनवास में थे तो इसी का वो भात पका करके खीर खाते थे। एक दिन खाइए और एक महीना मस्त है, इतना ताकत है इसमें। यदि किसी माँ बहन को डिलीवरी होना है तो आप इसके जड़ को उखाड़िए ऐसे या पूरे ले करके, और माँ बहन का जो कमर होता है उसके चारों तरफ ऐसे लपेट करके बांध दीजिए, और जैसे ही डिलीवरी होता है उसी तरह इसको निकाल के फिर फेंक दीजिए, नहीं तो हानि होती है। ये नॉर्मल डिलीवरी का बहुत ही प्रमाणिक दवा है, आप इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो प्रयोग करेगा, जो व्यक्ति इसको बहन के कमर में लगाएगा, उसका ध्यान इसी पर होना चाहिए कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो और इसको वहाँ से हटा करके फेंक दे, ऐसा ना कि लगाया कहीं और चला गया कहीं और, तो उसमें हानि होती है। इससे आप मुँह धोते हैं तो इससे दांत भी बहुत ज़बरदस्त होता है, दांत संबंधी बीमारी, मसूड़े संबंधी बीमारी और मुंह की दुर्गंध से लेकर के ये पायरिया को भी ठीक करता है, इसलिए आप इसका सेवन करिए प्रतिदिन। इसके साथ में मैं आपको शीशम के बारे में बताना चाहते हैं, और शीशम भी देखिए यहीं पर है तो घुमा लीजिए लो। शीशों के बारे में हम बताना चाहते हैं आपको, शीशम कितना फायदेमंद है। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अब ये शीशम है, शीशो है। अब इसके लकड़ी के बारे में तो सब जानते हैं कि इसका पलंग बनता है, सोफा बनता है, फर्नीचर बनता है, ड्रेसिंग टेबल बनता है, लेकिन इसके पत्ते का क्या लाभ है इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। किसी को लिकोरिया है, अभी सुबह में एक भाई हमें मिले थे जिनको प्रसूत की बीमारी है, जलन हो रहा था पेशाब में, शरीर में गर्मी थी, उनके लिए भी आप लोग सुनिएगा माता जी। जिनको लिकोरिया की बीमारी है, लिकोरिया समझ रहे हैं ना, पानी निकलता है, समझ गए, गर्भाशय से, और वो इतना खतरनाक है कि माँ बहनों को उसे चिड़चिड़ापन, तनाव, क्रोध, कमजोरी, कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, उसे बांझपन भी हो जाता है। तो इसके साथ पत्ता लीजिए, ये ठंडा होता है, और थोड़ा सा मिश्री, और जाड़े के दिनों में एक या दो काली मिर्च, गर्मी के दिनों में केवल शीशम और केवल मिश्री इस्तेमाल करिए। सुबह सुबह में चबा चबा करके निकल जाइए। लिकोरिया, धात की बीमारी, प्रसूत की बीमारी, पेट में जलन की समस्या, बहुत पसीना आता है उनको, और जिनको स्वप्न दोष होता है भाइयों में, या पेशाब करते समय पेशाब के साथ धात निकल जाता है, उसके लिए ये अमृत के समान है शीशो का पत्ता। इसलिए आप इसका नियमित इस्तेमाल करिए अपने घरों में, या जो भी बीमार व्यक्ति हैं इन बीमारियों से उनको आप बताइए और पुण्य कमाइए। आप सैकड़ों तीर्थ स्थान जाइए और एक अच्छे चीज़ों के बारे में दूसरों को बता दीजिएगा तो हजारों तीर्थ के बराबर ये पुण्य हो जाता है। इसलिए हम अभी आपको जितना चीज़ें बताए हैं वो आप दूसरों को भी बताने का काम करेंगे। अभी नीम